The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने जब अपनी डाइट, फुल डे डाइट शेयर करी तो और जो उसमें जो हमने एक ब्रेकफास्ट वाला शेयर किया था जिसमें हमने दही और फ्रूट्स साथ में खाए, उसमें हल्का सा दूध भी मिलाया, तो कई सारे सवाल, कई सारे लोगों के कमेंट आए कि सर दूध के साथ में दही नहीं मिलाया जाता, या फ्रूट के साथ दही नहीं खाया जाता, या फ्रूट के साथ दूध नहीं लिया जाता है, ये गलत कॉम्बिनेशन है, ये जहर बनाता है और फलाना फलाना। सो आई थॉट लेट्स क्लैरिफाई समथिंग। सबसे पहले मैं आपके दिमाग में कुछ सवाल पैदा करना चाहूँगा। क्या लगता है आपको, जब आप दूध पीते हैं, अगर आप दूध पीते हैं और तो दूध का पेट में जाने के बाद क्या होता है, या लेट मी रीफ्रेस, आप जब दूध के अंदर फ्रूट डालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा कैसे जहर बन जाएगा। सो अगर आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूध के अंदर सिट्रस फ्रूट्स नहीं डालते। ऑब्वियसली सिट्रस मतलब नींबू वाले, नींबू के अंदर जो सिट्रिक एसिड होता है उसमें सिट्रस, थोड़ा बहुत सिट्रिक एसिड होता है, जो खट्टे फ्रूट्स हैं, अगर खट्टे फ्रूट आप दूध में डालोगे तो दूध फट जाएगा, लॉजिकल है। और फटा हुआ दूध लोग पता नहीं क्यों जहर मानते हैं, बट फटा हुआ दूध जहर नहीं होता। क्वाइट फ्रेंकली फटे हुए दूध से ही पनीर बनता है, फटे हुए दूध को एक काइंड ऑफ दही भी, कडल्ड दूध भी बोलते हैं अंग्रेजी में, दही बन जाता है। और अगर आप एक्चुअली में स्टडी करेंगे तो आप सुबह दोपहर शाम रात दिन रात कभी भी फटा नहीं फटा कोई भी दूध पीते हैं, नॉर्मल दूध पीते हैं, बिना फ्रूट के दूध पीते हैं, तो आपके पेट में बढ़िया वाला एसिड ही है, मस्त वाला एसिड है। और जैसे ही दूध अंदर टच करता है ना पेट के अंदर, एब्जॉर्प्शन तो नीचे इंटेस्टाइन में होता है, जैसे ही स्टमक एसिड को टच करता है दूध फट जाता है। जी हाँ, दूध आपके पेट में जाके फट जाता है, इसका सबूत है वो छोटे छोटे बच्चे जब वो उल्टी करते हैं माँ का दूध तो वो फटा हुआ निकलता है। माँ का दूध वो पीते हैं या फिर बोतल वाला दूध पीते हैं और जब वो बेचारे उल्टी करते हैं तो फटा हुआ निकलता है, लगता है पेट खराब हो गया, दूध फट गया। वो नहीं फटा है, वो पेट में जाके सबका फटता है, राइट। सो पॉइंट इज, तो दूध में फ्रूट डाल के आप ले सकते हो, नंबर एक। हाँ, ऑब्वियसली कई लोगों को उससे गैस होती है। अब क्यों ऐसा, कई लोगों को, अब बात आ रही थी वो गैस का भी बताता हूँ, क्यों गैस होती है वो भी बताते हैं, दही और पानी का भी, दही और दूध का भी बताते हैं। ऑब्वियसली जब दही दूध से बना है तो दूध में, दही में अगर दूध मिला लोगे तो क्या होगा, वो और दही बन जाएगा, राइट। आप दही कैसे बनाते हो, थोड़ा सा खट्टा दही में दूध डाल के रात भर रख ले तो दही बन जाता है। सो वो दही बनने से पहले क्यों नहीं खा सकते, ऐसा कौन सा लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं, राइट। थोड़ा सा पहले भी खा सकते हो, सो डजंट मैटर सो मच, ओके, डजंट मैटर सो मच। देन लेट्स गो फर्दर। ऑलराइट, सो बात आई थी पेट खराब होने की, होता है, ब्लोटिंग होती, गैस होती, मुझे भी होती है, बट आई डोंट केयर, व्हाई, बिकॉज देयर इज अ लॉजिक व्हाई। जब भी दूध आप पीते हो आपके पेट में दूध जाता है तो वो दूध जाके आपके पेट में बल जम जाता है, कर्ड बना देता है, और वो कर्ड जो है वो पेट के अंदर से जो खाना नीचे निकलता है ना, इसको गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बोलते हैं। नॉर्मली खाना 2 से 3 घंटे में आराम से नीचे निकल जाता है, ठीक है, 2 से 3 घंटे में आराम से, तो वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो कर देता है। नाउ इसका क्या लॉजिक है, राइट, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, खाना जब नीचे जाता है तभी एब्जॉर्ब होता है, जब खाना पेट से नीचे जाता है इंटेस्टाइन में तो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अगर वो खाना 2 से 3 घंटे की जगह डबल 4 से 6 घंटे में नीचे जाएगा तो एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, दैट इज इक्वलेंट टू डाइटिंग, दैट इज इक्वलेंट टू स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, दैट इज इक्वलेंट टू लेस इंसुलिन स्पाइक, दैट इज इक्वलेंट टू वेट लॉस, दैट इज इक्वल टू स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन, दैट इज वाई केसिन प्रोटीन इज सो यूजफुल फॉर मसल मेंटेनेंस। इसलिए लोग रात को केसिन प्रोटीन लेते हैं, उसकी जगह सुबह दूध पियो, रात को दूध पियो, क्या होगा, 6 घंटे प्रोटीन, क्या दिक्कत है, 6 से 8 घंटे लगते हैं। डा दिक्कत ये होती है, पेट में, बंद कर दो पंखा, पेट में
ज़्यादा देर खाना रहेगा, और ज़्यादा देर पेट में रहेगा तो जिनको रिगर्जिटेशन प्रॉब्लम है, जो खाते ही लेट जाएंगे, जिनका गैस्ट्रिक रिफ्लक्स का प्रॉब्लम, उनको रिफ्लक्स होगा। जैसे मुझे भी रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, तो मैं लेट नहीं सकता खाते हुए, मैं ज़्यादा खा नहीं सकता, मैं खाने के बाद पानी नहीं पी सकता, मैं गलती करूँगा तो मेरे को रिफ्लक्स आएगा, राइट। फिर भी आई नो दूध इज़ वेरी गुड फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग, थोड़ा गैस होता है, थोड़ा बहुत रिगर्जिटेशन हो सकता है कभी कभार, बट द लॉजिक बिहाइंड यू शुड, आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, राइट। सो दही खाते हो तब भी यही होता है, दही भी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो करता है, पनीर भी यही करता है, दूध भी यही करता है, और दही के साथ फ्रूट खाओ, दही के साथ कुछ भी खाओ तो यही काम होगा। इसीलिए किसी का पेट खराब होता है, इसीलिए, बिकॉज वो वाई, बिकॉज देयर आर फाइबर्स, दोज आर फाइबर फूड, दे रिड्यूस द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। सलाद खाते लोगों, किसी किसी को पेट खराब हो जाता, डाइजेशन नहीं हो पाता, बिल्कुल पॉसिबल, बट दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। सलाद अच्छा है, सबको पता है, पर पेट खराब हो जाता है, गैस होती है, बिकॉज वो एक साथ ज़्यादा खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं कि वहाँ पर वो पेट फूल जाता है, और पेट फूला हुआ वापस रिगर्जिटेशन करता है, दे डोंट नो द साइंस। अब मान लो आपको गैस हो रही है, आप और पानी पी लिया, और पेट भर गया, और रिगर्जिटेशन, अरे यार मेरे को तो उल्टी आ रही, मेरे तो पेट खा, दैट्स द प्रॉब्लम। शुड नॉट ड्रिंक वाटर एट दैट टाइम, वेट करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, टहलना चाहिए। सो अगर आप बॉडी की फिजियोलॉजी जानते हैं, आप उसके साथ खेल सकते हैं। सो यही हमारा लॉजिक है, हमारी डाइट का लॉजिक है ना, और यही दुनिया भर का हिसाब किताब है। सो इस चीज़ को, बात समझ आई, अगर कोई सवाल है तो ज़रूर नीचे लिखें, कोशिश करेंगे जवाब देने का, और समझ आई तो इसको शेयर करो ताकि लोगों की गलतफहमियां दूर हो और सही जानकारी लोगों को आगे, यही हमारा काम है, हर वीडियो में आपके साथ सही लॉजिक, सही जानकारी, ताकि आपको सही गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।